हाईटेंशन लाइन पर काम कर रहे महापारेषण के एक सहायक अभियंता से मारपीट के मामले में सावनेर के तत्कालीन विधायक व पूर्व मंत्री सुनील केदार को नागपुर जिला अदालत ने 1 साल की सजा सुनाई है। 6 अक्टूबर 2016 को महापारेषण ने कोराड़ी तिलंगी के बीच अल्ट्रा हाई वोल्टेज बिजली लाइन बिछाने का काम शुरू किया। इसके लिए संबंधित किसानों की जमीनें भी अधिग्रहित कर ली गई थी। लाइन के लिए यहां बड़े बड़े टॉवर बनाए गए थे। महापारेषण के सहायक अभियंता अमोल खुबारकर 6 अक्टूबर 2016 को 2-3 अधिकारियों के साथ किसानों से उनके फसल के नुकसान के मुआवजे के संबंध में बातचीत करने के लिए तेलगांव गए थे। जब अधिकारियों और किसानों के बीच बातचीत चल ही थी, तब विधायक सुनील केदार अपने करीब 20 साथियों के साथ वहां पहुंचे और यह सवाल किया कि महापारेषण को यहां काम शुरू करने की अनुमति किसने दी, तो अन्य 4 साथियों ने मिलकर खुबारकर और कंत्राटी अधिकार को गाली गलौज कर अचानक उनकी पिटाई शुरू कर दी। 6-10-2016 की घटना है। ही तेलगांव शिवारातली घटना है। इथे जी विद्युत वाहिनी आहे त्याचं काम सुरू होतं आणि हे सर्व लोक MSCB चे लोक जे आहेत अमोल खुबाळकर घोंगे वगैरे हे तिथे त्या शेत हबीब यांच्या शेतामध्ये गेलेले होते आणि तिथे हे त्या मालकाला या नुकसान भरपाईबद्दल आणि इतर ह्याच्याबाबत समजावून सांगत होते। त्यावेळेस सुनील केदार आणि त्याचे इतर साथीदार हे तिथे आले आणि यांनी त्याला अटकाव केला त्या इंजिनियरला आणि त्यांना मारहाण केली। तिथे मारहाण केली आणि सरकारी कामामध्ये अडथळा निर्माण केला। यांनी गैरकायद्याची मंडळी जमवून त्या इंजिनियर्सना मारहाण केली। त्याबाबत हा खटला सुनील केदार आणि त्याचे इतर जे आहे अंधारे आणि अजून बाकीचे आहेत ते नावं आहेत त्याच्यामध्ये, त्यांनी सरकारी कामामध्ये अडथळा निर्माण केला, त्या इंजिनियर्सना मारहाण केली। हां, या खटल्यादरम्यान 13-14 साक्षीदार आपण तपासले आणि त्यामध्ये कंप्लेनंट जे आहेत खुबाळकर घोंगे वगैरे खुबाळकर यांची साक्ष आणि बाकी इतर लोकांनी न्यायालयात समक्ष सांगितले की बा सुनील केदार तिथे आले होते, यांनी आमच्या कांचीलामध्ये थापडा मारल्या आणि आमच्या सरकारी कामामध्ये अडथळा निर्माण केला, यांनी गैरकायद्याची मंडळी जमवून आमच्या सरकारी कामामध्ये अडथळा निर्माण केला, याबाबत ती केस होती। यामध्ये सुनील केदार अंधारे आणि बाकीचे 4-5 आरोपी आहेत, 4 टोटल 5 आरोपी आहेत। त्याच्यामध्ये 1 वर्षाची शिक्षा झालेली आहे, 1 वर्ष आणि फाईन, प्रत्येकी 5,000 रुपये दंड झालेला आहे। दंड न भरल्यास पुन्हा 1 महिन्याची साधा कारावास अशी। हां, अपील करू शकतात ते वरती। आज त्यांनी सस्पेन्शन ऑफ सेंटेन्सचा अर्ज लावलेला आहे आणि तो अर्ज न्यायालयाने मंजूर केला आहे, फाईन त्यांनी भरलेला आहे, त्यामुळे ते सुटून जातील। ते वरती अपील करू शकतात या शिक्षेविरुद्ध। एक काफी पुराना मामला था सावनेर तहसील के एक गाँव में, जहाँ श्रीमान सुनील केदार अपने एक सभा ले रहे थे। उस वक्त वहाँ हबीब भाई करके एक गरीब किसान है, वो दौड़ते आए और उन्होंने बताया कि विद्युत कंपनी के लोग उसके खेत का काफ़ी नुकसान कर रहे हैं और कोई परमिशन कोई मुआवजा दिए बगैर ये कार्रवाई कर रहे हैं, तो मेहरबानी करके आप हमें उसमें से बचाइए। लोक प्रतिनिधि होने के कारण आमदार साहब तथा उनके कुछ सहकारी जगह पे गए और उन्होंने पूछताछ किया, तो उस वक्त विद्युत कंपनी के अधिकारी लोग थे, इन्होंने बताया कि आपने इनको कॉम्पेंसेशन दिया नहीं, परमिशन लिया नहीं, फिर भी आप उनके खेत का नुकसान कर रहे हो, यह बात गलत है। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हो क्या हो, तो बताया कि हम यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। तो उसके ऊपर दो बातें हो गई और उस वक्त के श्रीमान केदार साहब ने बताया कि हमने आपके ऊपर हम अभी कार्रवाई करेंगे, विधिमंडल में ये सब्जेक्ट उठाएंगे। तो इसलिए उन्होंने वापस नागपुर आपके अपने हेड ऑफिस में आके अपने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की और एक कंप्लेंट जो कि झूठी थी वो लिख के पुलिस थाना गए और वहाँ वो कंप्लेंट पेश किया। फिर वो कंप्लेंट कहाँ गई मालूम नहीं, दूसरी कंप्लेंट दी गई। तो 353 कलम के अंतर्गत गुनाह कायम किया गया। सम्माननीय सेशंस कोर्ट में ये केस की पूरी गवाही इसमें पूरी हो गई। FIR देने में जो लेट हुआ वो गवाहों की कंडक्ट फिरियादी की बर्ताव ये सब बताते हमने ये बताया कि असल में मारझोड़ की घटना कोई हुई नहीं है, बल्कि अपने ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इसलिए इन्होंने खुद ही झूठी तकरार डाल दिया है।
विद्वान न्यायाधीश महोदय ने सभी बातों के ऊपर गौर करके ये पाया गया कि कंप्लेनेंट की गवाही के ऊपर उन्होंने यकीन रख के सभी अभियुक्तों को सजा दी गई। अभी हमने पूरा जजमेंट तो पढ़ा नहीं, लेकिन केस हमने चलाई है। प्रोसिक्यूशन की क्या बहुत खामियां थी केस में, जो कि खामियां जरूर हाईकोर्ट के सामने उजागर होंगी, इसके खिलाफ में हाईकोर्ट में हम अपील कर रहे हैं। ये पूरी इसमें इनके साथ में इनके तीन सहकारी थे, तीनों को भी समान सजा दी गई, और कुछ कलम में एक एक साल, कुछ कलम में छः छः महीने सजा दी गई, लेकिन टोटल और कुछ में दंड सुनाया गया। तो टोटल इफेक्ट टू कन्विक्शन ये कॉन्करेंट है, सभी सजा एक साथ चलेंगी, तो एक साल की सजा समझ लीजिए और करीबन 14,000 रुपये फाइन पर व्यक्ति दिया गया। ये इसे विद्वान सेशंस कोर्ट ही कही है, नागपुर। जज महोदय मिसेस मोटे थी। अगर आप दोबारा इस क्षेत्र में काम करते दिखाई दिए तो हम आपके टुकड़े टुकड़े कर घर भेज देंगे। सुनील केदार पर ऐसी धमकी देने का आरोप लगा था। इस मामले में सावनेर पुलिस ने सुनील केदार समेत कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अदालत ने सभी गवाहों और सबूतों की जांच करते हुए पूर्व मंत्री सुनील केदार को 1 साल की कैद की सजा सुनाई है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।